टमाटर 140 रुपए किलो, गोभी 120 रुपए किलो, करेला 100 रुपए किलो, खीरा 100 रुपए किलो, केला 150 रुपए, एक 120 रुपए, आड़ू जड़ा का 180 रुपए, खुबानी 200 रुपए, कद्दू 100 रुपए किलो, प्याज 500 रुपए तड़ी। सही हो गया, दस रेट तक ले जी। आपको जी सब्जी अवेलेबल कर रहे हो जी, पता मैं क्या जा रहा ना, हूँ उठू लवान ये चीज़ चेक करें जी। माशाल्लाह फल बहुत, दो ही पौधे इसके लगे हुए हैं हमारे पास, लेकिन इनका फल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और नेचुरल होता है, कोई इसमें वो नहीं होती। अभी आपको जायका तरी में चेक करवा सकता, खुद ही चेक करके बता सकता हूँ। तो ये जो है वो ये अंजीर का पौधा लगा हुआ था, इसके ऊपर भी अंजीर काफ़ी लगती है, लेकिन वो सामने बुलबुल बैठी है, वो डेली जो भी लगता है इसके ऊपर तो वो ये बुलबुल खा देती है। तो ये जानवर भी चेक कर लें, माशाल्लाह दो गायें हैं। उसके बाद ये मैं आपको भैंसें भी चेक करवा देता हूँ। तो ये भैंसें हैं जी और ये बकरी है। तो अभी जो है जी ये क्या बोलते हैं, इसको हैली बोलते हैं, वो लोड हो रहा है ट्रैक्टर ट्राली के अंदर, वो ज़मीनों के अंदर जो है वो जाके फेंकना है, तो अभी लोड हो। यार ये अभी लोड हो रहा है, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है अभी, तो इनको बोला था सुबह आना, लेकिन यार ये अभी जो है ना लेट हो गए हैं, टाइम तकरीबन 12 बज चुके हैं। अभी आजकल इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता, कि बिजली भी नहीं होती और बड़े मसले हैं आजकल बिजली के, यार कसम से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो चेंज हो गई है, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो ये अभी पहले लोड करेंगे, फिर इसको जाके ज़मीनों के अंदर देखते हैं ये कितनी ट्रालियाँ होंगी। मेरे ख्याल में शायद दो हो जाएंगी, एक फुल हो जाएगी और एक तकरीबन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन खुद से ये नहीं काम होता, गर्मी आजकल बहुत है, तो ये चीज़ें सहूलतें मिल जाती हैं, तो चलें काम थोड़ा जल्दी हो जाता बंदे का।